सवाल नंबर एक, हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन की मात्रा, बी नाइट्रोजन की मात्रा, सी हीलियम की मात्रा, डी कार्बन की मात्रा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नाइट्रोजन की मात्रा। सवाल नंबर दो, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सिंधु नदी, बी सतलुज नदी, सी गोदावरी नदी, डी रावी नदी। आपका सही ऑप्शन हो जाए गा ए सिंधु नदी। सवाल नंबर तीन, किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? आपका ऑप्शन है ए गाय का दूध, बी बकरी का दूध, सी मादा घोड़ा का दूध, डी मादा हाथी का दूध। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मादा हाथी का दूध। सवाल नंबर चार, सबसे पहले बल्ब किस देश में बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए चीन देश में, बी जापान देश में, सी अमेरिका देश में, डी भारत देश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अमेरिका देश में। सवाल नंबर पांच, पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए नाइक्रोम, बी ग्रेफाइट, सी जस्ता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रेफाइट। सवाल नंबर छह, माचिस का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन ने, बी मार्को पोलो ने, सी जॉन वॉकर ने, डी रदरफोर्ड ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जॉन वॉकर ने। सवाल नंबर सात, अमेरिका में कितने प्रतिशत भारतीय डॉक्टर रहते हैं? आपका ऑप्शन है ए 28%, बी 30%, सी 35%, डी 38%। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 38%। सवाल नंबर आठ, कोरोना का पहला टीका किसको लगा? आपका ऑप्शन है ए सागर मल्होत्रा को, बी अजय सिंह को, सी मनीष कुमार को, डी राहुल गांधी को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मनीष कुमार को। सवाल नंबर नौ, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? आपका ऑप्शन है 105 कमरे, बी 120 कमरे, सी 130 कमरे, डी 145 कमरे। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 120 कमरे। सवाल नंबर 10, हमारे शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए दिमाग, बी हाथ, सी पैर, डॉट डी दिल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए दिमाग। सवाल नंबर 11, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? आपका ऑप्शन है ए 170 देश, बी 185 देश, सी 195 देश, डी 204 देश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 195 देश। सवाल नंबर 12, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए भारत देश की, बी चीन देश की, सी जापान देश की, डी नेपाल देश की।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हे भारत देश की। सवाल नंबर 13, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हे इलायची को, बी किसमिस को, सी बादाम को, डी काजू को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे इलायची को। सवाल नंबर 14, सबसे सस्ती बिजली किस देश में है? आपका ऑप्शन है हे चीन देश में, बी भारत देश में, सी कतर देश में, डी श्रीलंका देश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कतर देश में। सवाल नंबर 15, भारत में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? आपका ऑप्शन है हे औरंगजेब, बी बाबर, सी बहलोल लोदी, डी जहांगीर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए औरंगजेब। सवाल नंबर 16, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है? आपका ऑप्शन है हे आम की लकड़ी, बी लाल चंदन की लकड़ी, डॉट सी पीपल की लकड़ी, डी नीम की लकड़ी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लाल चंदन की लकड़ी। सवाल नंबर 17, भगत सिंह जी ने कब असेंबली हाल में बम फेंका था? आपका ऑप्शन है ए 1925 ईस्वी में, बी 1929 ईस्वी में, सी 1935 ईस्वी में, डी 1940 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1929 ईस्वी में। सवाल नंबर 18, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? आपका ऑप्शन है हे असम राज्य में, बी उत्तराखंड राज्य में, सी बिहार राज्य में, डी गोवा राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी गोवा राज्य में। सवाल नंबर 19, सैमसंग मोबाइल किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है हे भारत देश की, बी जापान देश की, सी साउथ कोरिया देश की, डी अमेरिका देश की। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी साउथ कोरिया देश की। सवाल नंबर 20, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठे देखा था? आपका ऑप्शन है हे पीपल, बी नीम, सी शेषवा, डी अमरूद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी शेषवा। वाल नंबर 1, पूरे विश्व में किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? आपका ऑप्शन है हे गंगा नदी का पानी, बी नील नदी का पानी, सी सतलुज नदी का पानी, डी गोदावरी नदी का पानी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नील नदी का पानी। सवाल नंबर 2, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है हे भारत देश में, बी अमेरिका देश में, सी चीन देश में, डी जापान देश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे भारत देश में। सवाल नंबर 3, कौन सा जानवर अपने जीभ से अपना कान साफ करता है? आपका ऑप्शन है हे ऊंट, बी हाथी, सी कंगारू, डी जिराफ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जिराफ। सवाल नंबर 4,
भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम राज्य में, बी मेघालय राज्य में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी बिहार राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 5, पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए नाइक्रोम, बी ग्रेफाइट, सी जस्ता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रेफाइट। सवाल नंबर 6, भारत के प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 24 किलोमीटर, बी 30 किलोमीटर, सी 34 किलोमीटर, डी 45 किलोमीटर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 34 किलोमीटर। सवाल नंबर 7, विश्व में किस देश के लोग सांप खाते हैं? आपका ऑप्शन है ए भारत देश के लोग, बी पाकिस्तान देश के लोग, सी वियतनाम देश के लोग, डी नेपाल देश के लोग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वियतनाम देश के लोग। सवाल नंबर 8, पूरे विश्व में कितने प्रतिशत लोग बाएं हाथ से लिखते हैं? आपका ऑप्शन है ए लगभग 5% लोग, बी लगभग 7% लोग, सी लगभग 10% लोग, डी लगभग 14% लोग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लगभग 10% लोग। सवाल नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मद्रास, डी मुंबई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मुंबई। सवाल नंबर 10, एक मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 22 दांत, बी 47 दांत, सी 82 दांत, डी 86 दांत। साथियों, आप लोग इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 11, कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है? आपका ऑप्शन है ए कैनो क्रिस्टल्स नदी, बी नील नदी, सी कृष्णा नदी, डी गंगोत्री नदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कैनो क्रिस्टल्स नदी। सवाल नंबर 12, किस पेड़ का पत्ता हीरे से भी ज्यादा महंगा है? आपका ऑप्शन है ए अमरूद का पत्ता, बी कोन का पत्ता, सी आम का पत्ता, डी नीम का पत्ता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कोन का पत्ता। सवाल नंबर 13, भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए झारखंड में, बी उड़ीसा में, सी कन्याकुमारी में, डी बिहार में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कन्याकुमारी में। सवाल नंबर 14, विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बांस का पौधा, बी पपीते का पौधा, सी पीपल का पौधा, डी आम का पौधा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बांस का पौधा। सवाल नंबर 15, भारत में सोने की खान कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए बिहार में, बी सिक्किम में, सी कर्नाटक में, डी पंजाब में।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्नाटक में। सवाल नंबर 16, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए, जहांगीर ने, बी, अकबर ने, सी, बाबर ने, डी, शाहजहां ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शाहजहां ने। सवाल नंबर 17, भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? आपका ऑप्शन है ए, उत्तराखंड राज्य में, बी, पंजाब राज्य में, सी, तमिलनाडु राज्य में, डी, गोवा राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पंजाब राज्य में। सवाल नंबर 18, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए, बाबर, बी, शाहजहां, सी, जहांगीर, डी, अकबर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बाबर। सवाल नंबर 19, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपका ऑप्शन है ए, कृष्णा नदी, बी, गोदावरी नदी, सी, महानदी, डी, माही नदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, माही नदी। सवाल नंबर 20, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? आपका ऑप्शन है ए, 6500, बी, 7500, सी, 8338, डी, 9200। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 8338। सवाल नंबर 1, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? आपका ऑप्शन है ए, आलू, बी, गोभी, सी, पालक, डी, टमाटर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आलू। सवाल नंबर 2, चांद तक पहुंचने में कितने दिन का समय लगता है? आपका ऑप्शन है ए, 1 दिन का, बी, 3 दिन का, सी, 6 दिन का, डी, 8 दिन का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 दिन का। सवाल नंबर 3, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए, 9 दिसंबर को, बी, 20 जनवरी को, सी, 15 मार्च को, डी, 10 दिसंबर को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 10 दिसंबर को। सवाल नंबर 4, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, थेम्स नदी के किनारे, बी, गोमती नदी के किनारे, सी, रावी नदी के किनारे, डी, हुगली नदी के किनारे। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, थेम्स नदी के किनारे। सवाल नंबर 5, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए, कृष्णा नदी, बी, गोदावरी नदी, सी, यमुना नदी, डी, कावेरी नदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यमुना नदी। सवाल नंबर 6, भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? आपका ऑप्शन है ए, पंजाब राज्य में, बी, उत्तर प्रदेश राज्य में, सी, हरियाणा राज्य में, डी, केरल राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, केरल राज्य में। सवाल नंबर 7, भारत के किस राज्य में आजादी के बाद एक भी हत्या नहीं हुई है? आपका ऑप्शन है ए, सिक्किम राज्य में, बी, बिहार राज्य में, सी, मध्य प्रदेश राज्य में, डी, उड़ीसा राज्य में।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हे, सिक्किम राज्य में। सवाल नंबर 8, भारत के किस राज्य में हाथियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है हे, उत्तर प्रदेश राज्य में, बी बिहार राज्य में, सी मेघालय राज्य में, डी कर्नाटक राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कर्नाटक राज्य में। सवाल नंबर 9, फ्री जमे कौन सी गैस होती है? आपका ऑप्शन है हे, अमोनिया, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन, डी हीलियम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे, अमोनिया। सवाल नंबर 10, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? आपका ऑप्शन है हे, नागफनी का फूल, बी नीलकुरिंजी का फूल, सी जहलिया का फूल, डी मोगरा का फूल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नीलकुरिंजी का फूल। सवाल नंबर 11, किस फल को अमृत फल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हे, अमरूद के फल को, बी अनार के फल को, सी पपीते के फल को, डी नारियल के फल को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे, अमरूद के फल को। सवाल नंबर 12, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पैदा होता है? आपका ऑप्शन है हे, भारत में, बी लंदन में, सी चीन में, डी अमेरिका में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चीन में। सवाल नंबर 13, बरगद किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है? आपका ऑप्शन है हे, जापान देश का, बी भारत देश का, सी रूस देश का, डी नेपाल देश का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी भारत देश का। सवाल नंबर 14, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1896 ईस्वी में, बी 1910 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1925 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1896 ईस्वी में। सवाल नंबर 15, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष का, बी 4 वर्ष का, सी 5 वर्ष का, डी 6 वर्ष का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 6 वर्ष का। सवाल नंबर 16, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है? आपका ऑप्शन है हे, आम की लकड़ी, बी लाल चंदन की लकड़ी, डॉट सी पीपल की लकड़ी, डी नीम की लकड़ी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लाल चंदन की लकड़ी। सवाल नंबर 17, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है हे, बकरी के दूध में, बी गाय के दूध में, सी भेड़ के दूध में, डी भैंस के दूध में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी भेड़ के दूध में। सवाल नंबर 18, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितने नंबर पर आता है? आपका ऑप्शन है ए पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी दूसरे नंबर पर। सवाल नंबर 19,
लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सरयू नदी के किनारे, बी गोमती नदी के किनारे, सी यमुना नदी के किनारे, डी गंगा नदी के किनारे। साथियों, आप लोग इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 20, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था।